हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि टेक्सटाइल ग्रुप से बिलोंग करता है। उसका बिजनेस देख लेते हैं, हम अच्छी तरीके से इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, कंपनी का परफॉर्मेंस देख लेते हैं, परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, कंपनी का हम पहले मार्केट कैप देख लेते हैं। मार्केट कैप कंपनी का कितना है? 19,416 करोड़। करंट प्राइस अभी 38 रुपये का है दोस्तों। एक पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक के हिसाब से मैं आपको ये बता रहा हूँ। कंपनी का हाई और लो देख सकते हो। स्टॉक पी 23.2 का है, बुक वैल्यू 7.51 रुपये का है। उसके बाद में आप देख सकते हो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 23.4% का है। आरओई देख सकते हो, रिटर्न ऑफ इक्विटी 23.4 का है। फेस वैल्यू एक का है तो स्प्लिट का सवाल ही नहीं है। सो अब हम देख लेते हैं कंपनी के सेल्स, कंपनी के सेल्स कैसे हुए वो देख लेते हैं हम। 2020 में दिसंबर की बात कर रहा हूँ, ये दोस्तों क्वार्टरली सेल्स में बता रहा हूँ आपको दिसंबर से। तो 2020 दिसंबर में देख सकते हो 1303 का सेल्स हुआ है, 1345 करोड़ का। मार्च 2021 में 1482 करोड़ का, जून 2021 में और सितंबर का 1692। ये उसका क्वार्टरली सेल्स है। उसके बाद में देख सकते हो दिसंबर 2021 1980 और मार्च का अभी जो क्वार्टरली सेल्स अभी आया था वो 1870। तो उसके पीछे एक्सपेंस कट ऑफ करके इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा ग्रोथ दे रहा है दोस्तों, 242, उसके बाद में 230, 384, 411, 338 देख सकते हो। 1600 के बाद में यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे इन्फ्लेशन के कारण 1900 के बाद में देखो दोस्तों 1870 का सेल्स है, जो कि यहाँ पे भी इम्पैक्ट गिरता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, कंपनी का टैक्स पे करने के बाद में प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट इसमें कोई भी करेक्शन नहीं रहेगा, ये कंपनी का मेन प्रॉफिट है 112 करोड़। उसके बाद में 76, उसके बाद 207, 235, 211, उसके बाद में 181। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट कम हो गया है कंपनी का, तो यहाँ से तो कंटिन्यू ग्रोथ ही दिखा रहा था, यहाँ और यहाँ दोस्तों देख सकते हो थोड़ा कम हो गया है। तो ये थोड़ा रिस्की पैटर्न है, मतलब रिस्की पैटर्न मतलब हम बोलेंगे तो कंपनी इन्फ्लेशन के कारण ऐसी कंपनी ज़्यादा ही गिरती है, 50% भी नीचे आती है, क्योंकि दोस्तों ये एक पेनी स्टॉक है। तो यहाँ पे ईपीएस के हिसाब से भी आप समझ सकते हो, ईपीएस देख लो, यहाँ पे ईपीएस के हिसाब से हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट कंपनी का कैसा है। ईपीएस दिया हुआ है, आप पॉज करके ईपीएस चेक कर सकते हो। सो दोस्तों हम कंपनी का प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं, प्रॉफिट और लॉस क्या है। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर चेक करेंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पे 2010 से यहाँ पे बिजनेस दिया हुआ है इनका, 2010 से यहाँ पे सेल्स दिखाया हुआ है। 2010 से देख सकते हैं 1792, 2700, 3300, 3318, 3800 देख सकते हो। यहाँ पर कंसिस्टेंसी बढ़ते ही जा रहा है, यहाँ थोड़ा कम हो गया है हम बोल सकते हैं 3737, उसके बाद 3600, 4625, 4500, 5200, 4700, 4500, मतलब एक थोड़ा वॉलीटिलिटी भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि थोड़ा वॉलीटिलिटी हुआ है, क्योंकि कोविड का इंपैक्ट तो यहाँ पे दिख ही रहा है। 5200 से देखो दोस्तों सेल्स कितना आ गया है, 4700 कितना सेल्स आया हुआ है। तो अभी कंपनी का लास्ट क्वार्टर में सेल्स देखो दोस्तों क्या हुआ है, 2022 का यहाँ पे अपडेट हो चुका है, तो देख सकते हो यहाँ पे 6998 इतना अभी कंपनी का सेल्स हुआ है। सेल्स होने के बाद कंपनी का एक्सपेंस देख सकते हो 5478, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1520 का है, उसके पहले कितना था 826। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कितना अच्छा सेल्स हुआ है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बहुत अच्छा दिखाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, तो देखो 2010 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक कर लेते हैं, 337, उसके बाद 300, 555, 730, 661, 730, 880, 852। सो देख सकते हो आप यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा है, अच्छा बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर। कहीं कम हुआ है तो कहीं बढ़ा है, मतलब ग्रोथ में तो है। अभी 1520 है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद में कंपनी टैक्स पे करती है, टैक्स पे करने के बाद में नेट प्रॉफिट जो बचता है वो नेट प्रॉफिट हम कंपनी का देख लेते हैं। यहाँ पे टैक्स पे कर दिया है कंपनी ने, उसके बाद में नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट देख सकते हो दोस्तों 2010 से है 56 करोड़, उसके बाद में माइनस में थी गई कंपनी 43 करोड़ माइनस, उसके बाद में 49 प्लस आई, उसके बाद में 194 देख सकते हैं यहाँ से कंपनी कैसा कर रही है। उसके बाद में फिर देख सकते हो यहाँ पे 118, 242, 330, 266, 260, 260,
देखो यहाँ से कंसिस्टेंसी यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ थोड़ा कम हो गया था बोल सकते हैं कि 260 में, तो देख सकते हो यहाँ पर कंसिस्टेंसी मतलब ग्रोथ दिखा रहा है, यहाँ थोड़ा कम हो गया है 340, फिर यहाँ कम हुआ है, यहाँ पे देखो दोस्तों क्या ज़बरदस्त जंप पकड़ा है कंपनी ने। तो यहाँ का नेट प्रॉफिट देखो 834 करोड़, फिर आप उसके हिसाब से EPS के टर्म में भी देख सकते हो कि EPS में भी बढ़त हुआ है। यहाँ देख सकते हो दोस्तों 2010 में EPS कितना था, 0.25, ठीक है, अब कितना हुआ है, 1.64, मतलब कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है। आने वाले टाइम पे दोस्तों यही कंपनी मल्टीबैगर भी साबित हो सकती है, ऐसा मैं ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको अगर इस पर कोई डाउट है तो इग्नोर कर सकते हो दोस्तों। सो कंपनी का वॉरेन देख लेते हैं, वॉरेन कितना है टोटल, 1500-1600 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली हम पकड़ लेते हैं। लॉन्ग टर्म वॉरेन कितना है कंपनी का, 310 करोड़, जो कि कभी भी ख़त्म कर सकती है। शॉर्ट टर्म वॉरेन कितना है, 1260 करोड़, जो कि फ्लक्चुएशन मैनर में चलते रहता है, तो इसका कोई टेंशन नहीं लेना होता है दोस्तों। कंपनी ये कर्जा कभी भी ख़त्म कर सकती है। देख सकते हैं कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग, अभी भी कंपनी के पास में 72.94% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि FIS के पास में 3.13% का होल्डिंग रखा हुआ है। उसके बाद में DIS के पास में, DIS तो 0.01%, तो नहीं के बराबर ही समझेंगे। गवर्नमेंट के पास में तो कुछ भी नहीं है, मतलब आते जाते रहता है गवर्नमेंट, देख सकते हो यहाँ पे। पब्लिक के पास में 22% अभी पब्लिक के पास में है दोस्तों, तो देख सकते हो प्रमोटर होल्डिंग बहुत ज़बरदस्त है। ये साइन क्या देता है, 72%, अगर कंपनी को अगर कुछ होता है ना तो सबसे ज़्यादा प्रमोटर का ही पैसा डूबेगा, ये बात जान लो। प्रमोटर के पास में अगर ये कंपनी है तो कंपनी कुछ सोच के ही उस होल्डिंग को रखा होगा अपने पास में, तो ये बहुत अच्छी बात मानी जाएगी प्रमोटर की होल्डिंग। चार्ट पैटर्न देख सकते हो कंपनी का, अभी कंपनी का करंट प्राइस क्या है, 38 रुपीज़, तो इसका हाई, सो इसका हाई और लो देख सकते हो यहाँ पर, 70 रुपये तक के गया था दोस्तों। 52 वीक का लो देखो दोस्तों, 16 रुपये, और हाई 70 रुपये, तो देख सकते हो कंपनी पे वॉलीटिलिटी बहुत ही ज़्यादा गजब की है, सोचने वाली बात है। कंपनी का एक साल का परफॉर्मेंस देख सकते हैं, एक साल में फिर भी 132% का रिटर्न दिया हुआ है कंपनी ने। 5 साल की बात कर लेते हो तो 5 साल में भी बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया हुआ है, 373% का रिटर्न दिया हुआ है। और मैक्सिमम टाइम में हम बात करें, मैक्सिमम टाइम पे आप देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों 7540% का रिटर्न कंपनी ने दिया हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे 30% कंपनी डाउन है, सोचने वाली बात है। ये ऐसी गिरावट दिखाती है दोस्तों, ये गिरावट ऐसी दिखाती है, क्यों, क्योंकि अभी इन्फ्लेशन है, बड़े से बड़े कंपनी 30-40% गिरी हुई है दोस्तों। यहाँ पे 6 महीने में अच्छी गिरावट है, 1 जनवरी से देख लेते हैं, 1 जनवरी में भी उतना ही दिखा रहा है, तो एक साल में फिर भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया हुआ है कंपनी ने 132% का, तो ये अच्छी बात है। तो हम कौन से कंपनी की बात करें दोस्तों, कंपनी का नाम है ट्राइडेंट, ट्राइडेंट ग्रुप से ये कंपनी है। देख सकते हो आप कंपनी का सारा ओवरव्यू मैंने दे दिया है, हम कंपनी की वेबसाइट विजिट कर लेते हैं, वेबसाइट में जाके चेक कर लेते हैं कि कंपनी का क्या क्या बिजनेस है। आपको भी स्टडी करना है दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो दिखा दिया कंपनी अच्छी है कल जाके खरीद लेना है, तो दोस्तों रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ मैं कि कल ही जाके खरीद लो, मतलब ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा ना मैं। कल कंपनी डूब जाएंगी तो आप मुझे ही बोलोगे नहीं सर आपने बोला था ऐसा था, कंपनी के बारे में अच्छे से स्टडी करिए, जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा स्टडी करिए। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों कि कल ही जाके इसे खरीद लेना चाहिए, मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसे कल जाके खरीदना नहीं है। कंपनी सबसे पहले आप कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो, कंपनी का मार्केट कैप देखो दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 19,000 करोड़, आप इतना समझ लो। तो उस मार्केट कैप के हिसाब से आप सोचो दोस्तों कि कंपनी कितनी रिस्की होगी, तो ये थोड़ा रिस्की पैटर्न है। कंपनी के बारे में जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे उतना अच्छा है, रिस्की है, डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये कंपनी 60-70% भी नीचे गिरावट आपको दिखा सकती है। अगर आपने कल जाके ये कंपनी ले लिया और कल ही जाके ये 16 रुपये में 17 रुपये में फिर से आ गई, तो ऐसा हो सकता है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं होता है मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो हम आगे कंपनी के वेबसाइट में देख लेते हैं कंपनी का बिज़नेस क्या है। सो दोस्तों यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, क्या बनाती है कंपनी, बेड बनाती है, उसके बाद देख लेते हैं टॉवेल बनाती है, यान बनाती है, क्या है दोस्तों, धागा। उसके बाद देख सकते हैं FMCG में भी ये कंपनी काम करती है, पेपर बनाती है, देख सकते हो दोस्तों इस टाइप के कंपनी के बिज़नेस है। सो देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का बिज़नेस यहाँ पे बताया हुआ है, कंपनी काम क्या करती है, डोमेस्टिक बेड, ग्लोबल बेड, पेपर, केमिकल, ऑनलाइन शॉप, डोमेस्टिक बात, ग्लोबल बात, यान मतलब धागा, एनर्जी में भी दोस्तों कंपनी है, एनर्जी में भी सोच सकते हो, एनर्जी का भी बूम तो मार्केट में आया हुआ है। और उसके बाद में ट्राइडेंट फाउंडेशन, ये सारी काम करती है दोस्तों कंपनी, ये सारा काम करती है कंपनी
एनर्जी केमिकल में तो मेन योगदान रहता है कंपनी का। उसके बाद में इनका मेन बिजनेस तो टेक्सटाइल का है और पेपर का भी अच्छा खासा बिजनेस है इनका, तो इन सब का बिजनेस है दोस्तों। सो दोस्तों कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन भी देख सकते हो, द कंपनी में चले जाना दोस्तों, आपको सारी चीज़ें कंपनी के बारे में मिल जाएगा, उनके क्लाइंट वगैरह इन सभी चीज़ों में मिल जाएगा। उनके लीडरशिप देख सकते हो आप यहाँ पे, अबाउट सेक्शन में जाके देख सकते हो, इनोवेशन हब, आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीडिया, करियर्स, न्यूज़ इवेंट, ये सारी चीज़ दी हुई है इसमें, आप देख सकते हो जाके। उसके बाद इन्वेस्टर रिलेशन वो भी देख सकते हो यहाँ पर, इन्वेस्टर, ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यहाँ पे सारी चीज़ दी है दोस्तों। एनुअल रिपोर्ट देख सकते हो यहाँ पे, हर साल का एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे, एनुअल रिपोर्ट 2020 का दिया हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ पर। सो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कंपनी कैसी है, कंपनी के फंडामेंटल्स आपको चेक करना है कि किस तरह का आगे एक कंपनी परफॉर्मेंस कर सकती है। सो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने कंपनी का ओवरव्यू दिया है, जो कि आप कंपनी का परफॉर्मेंस वगैरह सारा चीज़ देख सकते हो। कंपनी की वेबसाइट में मैंने थोड़ा बहुत ही बताया, आप जाकर और चेक कर सकते हो कि कंपनी किस टाइप का परफॉर्मेंस कर रही है। उसका ईयर ऑन ईयर सेल्स तो अच्छा ही दिखा है दोस्तों, आगे ये कंपनी मल्टीबैगर साबित हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताओ दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कंपनी आगे चलकर इतना आगे नहीं जाएगी, तो आप इसे डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं दोस्तों, इग्नोर कर सकते हैं। कंपनी का मैं सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ से ओवरव्यू दिया है, आप पढ़ सकते हैं। अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों सोच समझ के करना, रिस्क के पैटर्न है, आप सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि आप इसका मार्केट कैप देख ही चुके हैं आपने कि इसका मार्केट कैप 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये कंपनी गिरती भी है तो 60-70% गिरती है दोस्तों, तो ये बात ध्यान में रख लेना। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो वेबसाइट चेक करिए, इसका बिजनेस चेक करिए, बिजनेस तो अच्छा ही है। मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि कल जाके डायरेक्ट खरीद लीजिए करके, डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि कल जाके इसको खरीद नहीं लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, और दोस्तों लाइक करिए, जितना ज़्यादा लाइक आएगा मेरा मोटिवेशन उतना ही बढ़ेगा। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।